रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं जी आप सब? आई होप सो सब बच्चे ठीक ठाक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज ही हम पढ़ने जा रहे हैं एक वक्त में एक काम। आज में सबसे पहले ये नज़म है जो इस्माइल मीठी ने लिखी गई थी, इस्माइल मीठी ने लिखी है। तो इसको सबसे पहले मैं आप लोगों को रीड करके सुनाऊँगी और फिर आपको मैं आप लोगों को उस एक्सरसाइज का सोल्यूशन आपके साथ शेयर करूँगी। काम के वक्त काम अच्छा और खेल के वक्त खेल सेवा, यानी कि सब जब काम के हम लोग कर रहे हैं, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप एनी कोई भी काम कर रहे हैं, तो आपको उस टाइम सिर्फ काम करना है, उस स्पेसिफिक वर्क की तरफ तवज्जो देनी है। अगर आप फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको पढ़ाई करनी है बजाय इसके कि आप मोबाइल से पे गेम्स खेलें या आप किसी और चीज़ों में बिजी रहें। और खेल के वक्त खेल सेवा, और जिस टाइम आप खेल खेल रहे हैं, यानी कि आप पढ़ के फारिग हो गए और आपने कहना मतलब अब आपने पढ़ना नहीं है, अब आपने ब्रेक ली है, तो आप खेलें, खूब खेलें, ठीक है। जब काम का वक्त हो करो काम, भूले से भी खेल का ना लो नाम, यानी कि जब काम का वक्त हो तो सिर्फ काम करें, गलती से भी खेल का ना सोचें। हाँ, खेल के वक्त खूब खेलो, खुद कूदो फांदो के डंड पैलो। वो कह रहे हैं कि जब खेल खेलो तो इतना खेलो कि खुद उसको थक जाओ खेल खेल के। खुश रहने का यही है, यही तरीका, हर बात का सीखा सीखिए सलीका, यानी कि अगर आपने खुश रहना है अपनी लाइफ में, अपने आप को मैनेज रखना है, तो ये यही तरीका है। अपने हिम्मत से काम करना, मुश्किल हो तो चाहे न डरना, यानी कि हिम्मत से और हौसले से काम करना है। घबराना नहीं कि कोई भी मुश्किल आए तो, ये नहीं कि बस आज नहीं नहीं यार अब तो मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए तो बस मैंने और नहीं पढ़ना, ठीक है। हर वक्त में सिर्फ एक ही काम पा सकता है बेहतरीन बेहतरी से अंजाम, यानी कि अगर एक वक्त में एक काम करेंगे आप, तो आपका अंजाम भी आपका उसका अच्छा ही होगा। जब काम में काम और छेड़ा दोनों में पड़ गया बिखेरा, यानी कि आप एक काम में के साथ साथ दूसरा काम भी कर रहे हैं, तो दोनों में मतलब आपको नतीजा अच्छा नहीं मिलेगा। है काम के वक्त काम अच्छा और खेल के वक्त खेल अच्छा। ज़िबा, ये देख लीजिए, ये पढ़ाई और फिर ये खेल। अब आते हैं तारुफ की तरफ, यानी कि जो इसके शायर थे उसने उसके तारुफ की तरफ। मोहम्मद इस्माइल मीठी का शुमार उर्दू के बुलंद पाया शायरों में होता है। वो 12 नवंबर 1844 को मेरठ में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम मीठी मेरठ से ही हासिल की। तालीम मुकम्मल करने के बाद सहरानपुर में के ज़िले स्कूल और आगरा के स्कूल में फारसी के उस्ताद रहे। रिटायर होने के बाद बाकी उम्र किताबें लिखने में गुजार दी। आला काबिलियत और अदबी खिदमात के सिलसिले में खान साहब का खिताब मिला। बच्चों के लिए मतदरसी किताबें लिखीं। एक क्लिनिक एक लियात उनकी यादगार है। गज़लियात के अलावा उन्होंने अखलाकी नज़में किस्से और कहानियाँ भी लिखीं। 1 नवंबर 1917 को मेरठ में इंतकाल कर गए। ये इसका तारुफ है जो शायर का। अब आ जाते हैं नए अल्फाज पे। तो सबसे पहला है ज़ेबा, यानी कि मौजू। दन पहला खास किस्म की वर्जिश। बिखेरा फैलावा, यानी कि काम ख़राब हो जाना। खुश उसलूबी, अच्छे तरीके से अंजाम अख्ताम सलीका, अच्छे तरीके से काम करना, इसके मायने हैं। अब आ जाते हैं मरूज़ सवालात पे। पहला है जी, इस नज़म का अनवान किस चीज़ के बारे में है? काम के बारे में। इस नज़म के शायर कौन हैं? इस्माइल मीठी। खेल के वक्त क्या करना चाहिए? खेलना। एक वक्त में कितने काम करने से बेहतर अंदाज में काम मुकम्मल होते हैं? एक वक्त में एक काम करने से। मुश्किल के वक्त किस चीज़ से काम लेना चाहिए? हिम्मत से, ठीक है जी। अब आ जाते हैं मश्किल सवालात पे। तो सबसे पहले आ जाते हैं, इस नज़म के शायर कौन हैं? इस सबक के शायर इस्माइल मीठी हैं। फिर है जी, इस नज़म में के शायर कब और कहाँ पैदा हुए? तो इसका जी आंसर ये है, मोहम्मद इस्माइल मीठी 12 नवंबर 1844 को मेरठ में पैदा हुए। फिर आ जाते हैं थर्ड पे, हर बात का सलीका सीखना क्यों ज़रूरी है? हर बात का सलीका सीखना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें और अपना हर काम आसानी और वक्त पर कर सकें, ठीक है जी। ये देख लीजिए तीनों आंसर्स। फिर है जी फोर्थ, शायद के ख्याल में काम के वक्त काम और खेल के वक्त
वक्त खेलना चाहिए। आपके ख्याल में ये दुरुस्त है या गलत? जवाब में जवाबात भी दी बताइए। ये लीजिए ये फोर्थ का आंसर। जी हाँ, ये बात दुरुस्त है कि हमें काम के वक्त काम करना चाहिए और खेल के वक्त खेलना चाहिए। अगर हम हर वक्त काम करते रहेंगे तो हम थक जाएंगे और हम बीमार पड़ जाएंगे। अगर हम हर वक्त खेलते ही रहेंगे तो हम अपना ख्वाब पूरे नहीं कर सकेंगे और सबसे पीछे रह जाएंगे। ये फोर्थ का आंसर है। ख्वाब यानी कि हमारे एम्स जो होते हैं, हमने कि हमारा जो एम होता है कि हम बड़े होकर ये बनेंगे, तो वो तो नहीं बन सकते अगर हम हर वक्त खेलते ही रहेंगे और आराम करते रहेंगे। ठीक है जी, फिर आ जाते हैं फिफ्थ। कोई ऐसी ज़ाती वाकया याद कीजिए जब आपने अपनी हिम्मत से कोई मुश्किल काम किया हो, खुद की ही किया हो। इस वाक्य को मुख्तसर अपनी कॉपी पे लिखिए। कोई वाक्य आपने बताना है जिसमें आपने हिम्मत से काम ली हो। फिर आ जाते हैं इमला की दुरुस्ती, यानी कि जिसमें हाँ होगा वहाँ पे ये वाली हे डालनी है। सऊदी अरब का दारुल हकूमत रियाज है। सऊदी अरब का दारुल हकूमत, ये दारुल हकूमत इस तरह से लिखा जाता है। फिर अच्छी तरह, यहाँ पे तरह गलत है तो इस तरह से। फिर मैंने अब आगे आके आपने खुद ही सेंटेंस दुरुस्त कर लेना, मैं आपको सब दुरुस्त अल्फाज बता दिए। मोहब्बत इस तरह से, मेहनत इस तरह से, और सेहत इस तरह से लिखेंगे। फिर आ जाते हैं इशार दुरुस्त कीजिए है काम के वक्त, जिनके आपको ये सही फॉर्म में नहीं लिखे गए। ठीक है, इनके इनके शेर में मिसरा ही खराब है। काम के वक्त काम अच्छा और खेल के वक्त खेल से बा, जब काम में काम और छेड़ा तो दोनों में दोनों ही में पड़ गया बिखेरा। फिर है जी हमारे पास तशरी, ये तशरीस की करनी है। तो अपनी हिम्मत से काम करना, मुश्किल हो तो चाहे ना डरना। इस शेर में शायर इस्माइल मीठी कह रहे हैं कि जब हम कोई मुश्किल काम कर रहे हों तो हमें हिम्मत मेहनत करके उस काम को आसान बनाना चाहिए। अगर हम डर कर पीछे हट जाएं तो हम अपना ख्वाब पूरा नहीं कर सकेंगे। ठीक हो गया जी। फिर आ जाते हैं ये गिनती है, इस गिनती को आपने लिखना है। देख लीजिए, ठीक हो गया जी। तो जी ये था आज का लेक्चर। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आपको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। जी मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। दीजिए मुझे इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, अपने ढेर सारा ख्याल रखिएगा, घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।